नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर असम से। असम के डिसेंबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विपुल चंद दास और वर्किंग प्रेसिडेंट रंजन कलिता के साथ हमारे असम के ब्यूरो चीफ कमल प्रीतम शर्मा ने खास इंटरव्यू के दौरान वर्किंग प्रेसिडेंट निरंजन कलिता ने बताया कि डिसेंबल का पहला जितना आरक्षण था उनको बढ़ाने के लिए वह सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि उनका एसोसिएशन लगभग 20 साल से डिसेंबल को उनका मांग दिलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है। डिसेंबल की हाल ही में जो गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग निकली है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही गुवाहाटी में जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनके लिए रेस्ट हाउस खोलने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को अपील कर रही है। अतः उनको कहा कि दिव्यांग जनों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो प्रीतम शर्मा की खास रिपोर्ट। आप लोगों की मेन मोटिव क्या है? हम लोग असम का ऑल असम डिजिबल एसोसिएशन 1987 से स्टार्ट हुआ है और ऑल असम में पूरा डिस्ट्रिक्ट कमिटी है हम लोग का, और पूरा डिजिबल को हम लोग जो हमारा अधिकार है वो अधिकार दिलाने के लिए असम में फाइट कर रहा है। कितने साल से आप लोग इस कार्य में लगा रहे हैं? अभी हम लोग का 20 साल से एक्टिवली लगा हुआ है, और दूसरा गवर्नमेंट जो पिछले गवर्नमेंट था उन लोग भी कुछ कुछ किया, लेकिन ये गवर्नमेंट को हम लोग खूब प्रेशर दे रहा है और अति शीघ्र हम लोग का जितना अधिकार है वो लोग को दिलाने के लिए, और वो लोग भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है देगा बोल के, इसलिए हम लोग अभी फाइटिंग में नहीं गया है, तो अभी भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है। असम गवर्नमेंट ने आप लोगों को कैसे सहयोग कर रहा है? असम गवर्नमेंट में अभी जो हम लोग का राज है उसमें से हम लोग का कुछ पोस्ट अभी निकला है 841, और दूसरा 1000 रुपया करके हम लोग का ऑल एलिजिबल को अभी दे रहा है, लेकिन फाइनेंस से अभी 115,000 आदमी को ही मिला है, बाकी जितना आदमी है 4,00,000 से ऊपर आदमी है उन लोग को नहीं मिला है। हम लोग बोल रहे हैं अभी उन लोगों को भी देने के लिए। सेंट्रल मिनिस्टर को कुछ बोलना चाहती है आप सोशल वेलफेयर बारे में? ऑब्वियसली हम लोग बोलना चाहते हैं जो PWD एक्ट नया एक्ट आया है ये एक्ट 2016 से शुरू हुआ है, लेकिन इसका अंदर जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जितना डिजेबल है उन लोग जो प्राप्य अधिकार है वो प्राप्य अधिकार से वंचित हो रहा है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट इतना अच्छे तरीका से नहीं मिल रहा है, उसका शिक्षा नहीं मिल रहा है, उन लोग का जो रास्ता में जाने के लिए जो सहायक सुविधा चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, जो मेडिकल का सुविधा चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, उस हर तरीका में बैरियर फ्री जो है वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसलिए प्रमिला रानी ब्रह्म वैद्य को बोलना चाहता है गुवाहाटी का सेंटर में एक अति शीघ्र जो हम लोग का रेस्ट हाउस वो चाहिए, और जो ये डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम है ज़रूर उसको करना चाहिए, जैसे हम लोग का पूरा अधिकार पूरा डिजेबल मिल सकेंगे। बोला सोशल वेलफेयर मिनिस्टर प्रमिला रानी ब्रह्म को आप कुछ बोलना चाहती है क्या? जो प्रमिला रानी ब्रह्म हम लोग का जो मिनिस्टर है वो एक्चुअली इतना एक्टिव है, तो हम लोग उनको तो माँ का दर्जा दिया हुआ है, जैसे एक बेटा का लिए माँ बेटी का लिए माँ चिंता करता है उसी तरफ से वो भी उसी तरीके से हम लोग का इतना सपोर्ट कर रहा है, जिसका वजह से हम लोग का बहुत कुछ इस सरकार ने हम लोग को दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग हर आंतरिक उसको सैल्यूट करते हैं। और दूसरा बात यह है जो हम लोग आज मिल रहा है दूसरा सरकार हम लोग को नहीं दिया है, आज प्रमिला रानी ब्रह्म है बोल के वह सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर है बोल के तो वो इतना जी जान लगा करके हम लोग का पीछे लगा हुआ है, और हम लोग को कोशिश कर रहा है जैसे भी हो कोशिश मतलब इसमें लगा हुआ है जैसे भी हो हम लोग इनको कुछ करें इनका लिए कुछ करें। लेकिन दूसरे जो एसोसिएशन है वो हार्ड स्ट्राइक कर रहा है, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहती है क्या? अभी देखिए जो काम डिस्कस से होता है वो लड़ाई से नहीं होता है, तो हम लोग को जैसे BJP सरकार आया था उसी टाइम में हम लोग प्रतिश्रुतिबद्ध हुआ था, उस टाइम में दलोई था नवोदलोय उसको भी सैल्यूट करता हूँ मैं हम लोग का तरफ से, और वो उससे हम लोग बात हुआ था जो हम लोग कोई धर्म कोई मतलब आंदोलन नहीं करेंगे,
और जो भी करेंगे हम डिस्कस कर थ्रो से करेंगे, और जो भी सुविधा होंगे सरकार हम लोग को देने पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग इनको प्रतिश्रुतिबद्ध है बोल के हम आज तक ये नहीं किया हुआ है। लेकिन तो बाकी जो संगठन है तो देने का बाद में भी मिलने का बाद में भी इन लोग कर रहा है, तो उन लोग का अपना अपना मोटिव है। पीडब्ल्यूडी पर्सन को कुछ आप बोलना चाहती है? हम लोग को जितना ऑर्गेनाइजेशन का लड़का लड़की है सब लोग को एग्जाम जो हम लोग का अभी मतलब एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, अच्छा करके पढ़ाई करके उसको इंटरव्यू दीजिए, और बुरी काम में इन लोग ना इन्वॉल्व हो, इसीलिए इन लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। और सरकार को हम रिक्वेस्ट करता है जो हम लोग को थोड़ा थोड़ा मांग है, जैसे स्पोर्ट्स का साइड में हम लोग को कोई डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हम लोग का टैक्स है भेट है, अगर हो सके सरकार जो हम लोग को माफ़ कर दे, और जो बैंक का लोन है वो भी हमको अगर 3% में दे दे हम लोग बहुत सुखी होंगे तब, क्योंकि हम लोग का देखिए भेट देने में और टैक्स देने में बहुत पैसा चला जाता है और इनकम सोर्स हम लोग का है नहीं, इसीलिए हम सरकार को रिक्वेस्ट करता है जो इस बारे में उन लोग सोचे और थोड़ा बहुत हम लोग को मदद करें। आप लोगों के आरक्षण के बारे में कुछ बोलना चाहती है? रिजर्वेशन हम लोग का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अभी देखिए TRAC में 50% रिजर्वेशन कर दिया, उसमें भी इन लोग को बढ़ाना चाहिए, और जो हम लोग का जो अभी जो डीजे पुल बोगी था वो भी अभी ख़त्म कर दिया, इन लोग को वो भी देना चाहिए। डीजे पुल बोगी में कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, जो भी आदमी घुस जाता है डीजे पुल का लिए बोगी बनाता है उसमें मतलब बाकी लोग घुस के डीजे पुल को बैठने नहीं देता है, इसीलिए सरकार उसका विषय में सोचे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आंदोलन करेंगे नहीं, हम लोग का मोटिव नहीं है जो आंदोलन करने का लिए, हम लोग रिक्वेस्ट करके चल रहे हैं, उसी रिक्वेस्ट में हम लोग को अगर सहायता करे वही हम लोग का लिए बहुत है। जैसे अभी हम लोग का नकली का लिए जो 3% था अभी 4% कर दिया, 4% से हम लोग का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का अभी कैटेगरी बढ़ गया है। दूसरा बात ये है जो आप लोग का जो हम लोग का जो संविधान आप निकला हुआ है जो एक्ट है उसमें फॉलो अप नहीं हुआ है आज तक, और दूसरा बात यह है कि हम लोग 7% अगर सरकार 7% हम लोग को दे देंगे इस विषय में तब हम लोग को बहुत लड़का लड़की और बहुत हैंडीकैप लड़का लड़की को सुविधा होगा।